नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि एक आपके पास सामने भिखारी आया तो गाइस आपके दिमाग में यह आ जाएगा कि एक भिखारी आता है, उसके पास जोली झंडा होता है और गाइस एक होता है कटोरा और वो सबसे भीख मांगता है। लेकिन गाइस आज के स्टूडियो के अंदर ये सब कुछ नहीं होने वाला है। भिखारी होगा लेकिन उसके पास होगी 100 करोड़ की कार। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि भिखारी के पास 100 करोड़ की कार है, अगर मुझे ऐसा बोल दिया जाए तो गाइस मैं बेहोश होते होते बच जाऊंगा। तो गाइस यार ये जो बात है सुनने के अंदर बिल्कुल अजीब सी लगती है, क्योंकि जब हम किसी से सुनते हैं कि भिखारी के पास में करीबन 100 करोड़ की गाड़ी है, वो सुनने में तो नॉर्मल लगती है, लेकिन सोचो जब मार्केट के अंदर वो भिखारी 100 करोड़ की गाड़ी से नीचे उतरेगा तो वहां पर जो आसपास के जो लोग हैं वहां पर उन लोगों के कैसे रिएक्शन रहेंगे। तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर मैं बनने वाला हूँ वही पुराना वाला पकड़ चंद कटोरे वाला, और मेरे साथ होने वाली है सेंटो डीओसी, जो कि यार इंडिया के अंदर नंबर वन कार है और उसकी रेट है पूरे के पूरे 100 करोड़ रुपए। और आज के इस वीडियो के अंदर हमारी ये सेंट्रो डीओसी कार यानी यार बुगाटी की कार जयपुर के अंदर घूमने वाली है और जयपुर के अंदर तेल का मचाने वाली है। लोगों का सोचना ये रहेगा इसके अंदर कोई बड़ा बिजनेसमैन उतरेगा, लेकिन उतरेगा पूरा का पूरा एक भिखारी। तो यार सारे लोगों के यार जो होश है ना वो शायद शायद उड़ जाएंगे। तो गाइस यार बिना देर किए हुए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास बॉडीगार्ड्स की फौज है, उसके अलावा लक्कड़ चंद असिस्टेंट बनने वाला है और ये कमाल का वीडियो आपको खूब एंटरटेन करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के शुरुआत करते हैं। तो गाइज अभी तक तो शिवराज है नॉर्मल तरीके से, और गाइज अब इसको इंटरनेशनल पकड़ चंद भिखारी बनाते हैं। ऐसे ही नहीं बनाएंगे तो हवा में हाँ बना उठाओ चलो लो भाई ये उठाओ। ये ये हाँ वन टू थ्री गाइज हमारा पकड़ चंद भिखारी बिलियनर भिखारी रेडी हो चुका है, अपने गेटअप में आ चुका है। और गाइज अब हम सभी को विथ बॉडीगार्ड्स और गाइज बुगाटी गाड़ी हमारी बाहर आ चुकी है। और भाई ये है मेरा असिस्टेंट जो है लक्कड़ चंद, गुड्डू बन चुका है अपना रिपोर्टर। और विशाल तू क्या करेगा? मैं तो यार ऐसे ही वो कैमरा वैमरा संभाल लूंगा। ठीक है ठीक है, तेरा वो झोला डंडा ले ले। हाँ दे दे भाई, दे दे जल्दी, दे जल्दी, दे गेटअप लो भाई जल्दी, कम ऑन। यहाँ पर गाड़ी जो है अभी भिखारी के लिए, हमारे फकड़ चंद जो दुनिया के सबसे अमीर भिखारी हैं उनके लिए गाड़ी आई है। लेकिन आप देख सकते हैं लोगों का यार हुजूम उमड़ चुका है यहाँ पर, जो जहाँ पर ज्यादा पब्लिक नहीं होती है वहां पर भी इतने लोग हैं। तो सोचिए हम जो मेन लोकेशन पे जाएंगे तो कितने लोग यहाँ पर भिखारी के पास महंगी गाड़ी देखकर आश्चर्यचकित होंगे। तो गाइस यार अभी तक तो मैंने रिपोर्टिंग की ही नहीं है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर पब्लिक देख सकते हो, पब्लिक जो है कितनी यहाँ पर उमड़ चुकी है। तो यार गाइस सोचो जब मैं रिपोर्टिंग करूंगा सबसे पहले और वहां पर लोकेशन पर ये गाड़ी आएगी और हमारा भिखारी फक्कड़ चंद आएगा तो वहां पर जो क्राउड है वो कितना इकट्ठा होगा। तो भिखारी को बिठाते हैं गाड़ी के अंदर और चलते हैं लोकेशन के पास। तो गाइज हमारा फक्कड़ चंद भिखारी अपनी 100 करोड़ की गाड़ी के अंदर बैठ चुका है। गाइज एक तो फक्कड़ चंद का ऐसा लुक और इधर एकदम अपोजिट 100 करोड़ की कार, तो गाइज लोग इस माहौल को देखकर बहुत ज्यादा अचंभा कर रहे हैं। और गाइज हम लोग अब चलते हैं सिटी के अंदर, चलें? यस चलो, रेडी हो? यस चलो।
सभी का स्वागत है किंग न्यूज के ऊपर। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कुछ खास ज्यादा यहाँ पर रिपोर्टिंग की ही नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर फक्कड़ चंद को देखने के लिए जो क्राउड है वो कितना इकट्ठा हो चुका है। और लोग जो है सोच रहे हैं कि भाई एक भिखारी के पास में इतनी महंगी गाड़ी किस प्रकार आ सकती है, इतनी कमाई कैसे हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और भीड़ से कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इस भिखारी को देखकर क्या आपको लगता है कि ये जो गाड़ी है ये इस भिखारी की है या फिर नहीं? क्या नाम आपका? अनिल कुमार मीणा। जो भिखारी है उनको कभी आप लोगों ने देखा है ऐसी सुपर कार के अंदर? नहीं नहीं, किसी भिखारी को देखा है? नहीं, पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हो? तो गाइस अभी तक हमारी सुपर कार जवाहर सर्किल से बाहर ही नहीं निकले, भीड़ इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। जो भी आ रहा है गाड़ी के पास फोटो क्लिक कर रहा है, भिखारी के पास फोटो क्लिक कर रहा है कि भाई 100 करोड़ की कार एक भिखारी कैसे लेके घूम रहा है। भीड़ गाइस पूरी बेकाबू है और यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रही है, लेकिन अभी तक मेन लोकेशन पर पहुँचे नहीं है। तो गाइस यहाँ पर एक और भैया है, तो इनसे पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी के अंदर मेरे को लगता है तो अमिताभ बच्चन आएंगे या फिर सनी देओल आएंगे। तो गाइस यार भैया बोल रहे हैं इस गाड़ी के अंदर या तो सनी देओल है या अमिताभ बच्चन है या फिर बॉलीवुड का कोई बड़ा सितारा है, लेकिन मैं भैया को बताना चाहूंगा इसके अंदर कोई भी बॉलीवुड का सितारा नहीं है, बल्कि इस गाड़ी के अंदर एक भिखारी है। क्या बोला तुम भैया? एक भिखारी है। ऐसी बात कर रहे हो, भिखारी ऐसी गाड़ी कहाँ से लेके आएगा? अरे बिल्कुल भैया, आप खुद वहाँ पर पास में जाकर देख सकते हो, उसके अंदर एक भिखारी है। भैया भिखारी? तो गाइस यार भैया का दूध पानी का पानी हो चुका है। भैया इतनी देर तक यह सोच रहे थे कि इस गाड़ी के अंदर बॉलीवुड का कोई बड़ा सितारा है, या तो शाहरुख खान है, सलमान खान है, या फिर सनी देओल है, या फिर अमिताभ बच्चन है, बल्कि अब भैया को अपनी आंखों से जब भैया देख रहे हैं तो भैया को पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई बॉलीवुड का सितारा नहीं है, बल्कि एक भिखारी है। भैया मैम गाड़ी कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है ना? भाई अभी मैं हूँ 100 करोड़ की, यानी कि लगभग 100 करोड़ की बुगाटी के अंदर। भैया गाड़ी चला रहे हैं, अभी बोला कि भाई वहाँ पर जाम लग जाएगा बहुत पूरा, तो भाई हो सकता है जाम लग जाए। वो चल रहा है शूट। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है किंग न्यूज के ऊपर। यहाँ पर जीटी के पास में आने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर भिखारी, यानी कि फक्कड़ चंद कटोरे वाला यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं फक्कड़ चंद का जो जादू है, फक्कड़ चंद का जो क्रेज है, वो यहाँ पर जनता के ऊपर किस प्रकार सर पे चढ़कर बोलता है। तो अब देखते हैं आने वाले हैं फक्कड़ चंद। तो गाइस हमारी बुगाटी और हमारा फक्कड़ चंद भिखारी गाइस जयपुर के सबसे मोस्ट लोकेशन यानी कि जीटी पहुंच रहे हैं। और गाइस यहां पर गूगल ने वहां रिपोर्टिंग करके हाइप बढ़ा दी होगी, और गाइस लोग इस गाड़ी को और भिखारी को देखकर भाई फोटो क्लिक कर रहे हैं, अपनी सेल्फी ले रहे हैं। और गाइस अब देखना बहुत बड़ा बवाल होने वाला है यहां पर। अभी आप लोग यहाँ पर माहौल देखो, बिल्कुल भीड़ नहीं है। और जैसे ही फक्कड़ चंद अपनी गाड़ी के साथ आएंगे तो उसके बाद में यहाँ पर देखना लोग कितने यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, पब्लिक यहाँ पर कितनी इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ पर देखो गाइस फक्कड़ चंद यहाँ पर आ रहे हैं, और धीरे धीरे जो पब्लिक है वो यहाँ पर धीरे धीरे जाम लगना शुरू हो चुका है। जी मैडम, कौन आया? फक्कड़ चंद दुनिया का सबसे अमीर भिखारी अपनी सुपर कार के साथ आ रहा है। जैसा कि आप लोग अपनी आंखों से यहां पर देख सकते हो, फक्कड़ चंद कटोरे वाला अपनी सुपर कार बुगाटी के साथ में यहां पर आ चुके हैं, और साथ में उनके बाउंसर भी है। और आप लोग पब्लिक को देखो भाई, पब्लिक को देखो, और इधर की साइड देखो, चक्का जाम है, ट्रैफिक बिल्कुल चक्का जाम हो चुका है। लोग आ रहे हैं, वो जो लोगों की नजर है वो यहाँ पर इस गाड़ी के ऊपर है और इस
फक्कड़ चंद के ऊपर है। कैमरामैन शिवा के साथ मैं संवाददाता गुड्डू, किंग न्यूज। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये दुनिया के सबसे अमीर भिखारी हैं ये, इनका नाम है फक्कड़ चंद कटोरे वाला, अपने बुगाटी के साथ है। क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? यहाँ भैया कोई जमीन है खरीदने लायक? भैया बोल रहे हैं, मैं इनको देखकर कंफ्यूज हो चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पर फक्कड़ चंद जी है और इनसे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, और जो आप लोगों के जो सवाल है वो भी आप लोगों के जो प्रश्न है उनके उत्तर मैं इनसे दिलवा देता हूँ इनके मुख से। तो फक्कड़ चंद जी, आपसे कुछ सवाल है जनता के, हमारे जो किंग न्यूज के जो दर्शक है उनके काफी सारे सवाल है, उनको ये बताओ ये जो कार है इतनी महंगी कार है वो ये कैसे लाया? ये क्या महंगी है? 100 करोड़ की तो है, क्या महंगी है? 100 करोड़ की है? आप लोगों को तो 100 करोड़ बिल्कुल थोड़ी लग रहे हैं। अरे इतने अभी तो ये मतलब छोटी है और कार, और आपका जो पैसा है वो भीख मांग मांग के इस कार को लाए हो? अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में ना सारे भिखारियों की गैंग चलती है, इंडोनेशिया सब जगह। इतने पैसे हैं कि ये एक दो क्या 5 गाड़ी खरीद सकते हैं? 5? कितने पैसे इनके? और आप कौन? मैं इनका असिस्टेंट हूँ। ये मेरा मेरी 2 करोड़ की सैलरी है एक साल की। बाबा अच्छा, आपकी 2 करोड़ की सैलरी है और इनकी 100 करोड़ की गाड़ी है, लेकिन जनता को विश्वास दिलाओ कि आप जो है भीख मांग मांग के इतनी महंगी गाड़ी कैसे ला सकते हो? इसका मतलब हम भी है भाई, हमारे छोड़ दे, यूरोप के अंदर लंदन के अंदर बिजनेस चलता है हमारा। अगर आप काम छोड़ना चाहते हो हमारे पास वैकेंसी है, आप मेरे सेकंड पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हो, सैलरी रहेगी 2.5 करोड़ रुपए। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर जो है फक्कड़ चंद का काफिला जैसे यहाँ पर पहुँचा है, तो वहाँ पर देखिए आप कितनी गाइस भीड़ लग चुकी है, वहाँ पर पूरी गाड़ी को कवर कर लिया है। मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ, आप देखिए कितनी सारी भीड़ है भाई, पब्लिक जो है बहुत ज्यादा उमड़ चुकी है। इन्होंने भीख मांग मांग के गाड़ी लिया, राइट? बिल्कुल ओके। ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हो? सर मुझे एक बात बताइए, आपने भीख मांग के इतनी बड़ी गाड़ी ली, हम लोगों को भीख इसलिए देते हैं कि लाइक वो एक टाइम का खाना खा सके, तो मतलब दुनिया के लिए आपने ये साबित कर दिया कि हम भीख किसी को नहीं दे, क्योंकि भीख मांग मांग के एक मिनट ये हमसे पूछ रहे हैं, भीख दो किसी इंसान का भला करो, वो इंसान भला होके आगे बढ़ेगा, खुशी जो होगी ना, आप मुझे 10 रुपए दे रहे हो मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे खुशी होगी, दिल से दुआई दूंगा। भैया का सवाल है, 9 बजे जाते हैं ऑफिस और शाम को 6 बजे आते हैं, जब भी हमारी फैमिली का पेट नहीं बन पा रहा है, भैया का सवाल पूछो। हाँ जी भैया, यार भीख मांग के आपने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, हम सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, देखो हमारे पास वैकेंसी है, इंडोनेशिया में आपके लिए जॉब है, एक कॉर्नर मिलेगा आपको, तगड़ी भीख मिलेगी, आप मेरे साथ रहोगे दूसरे महीने में ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। मिलेगा आपको मेंशन अमेरिका में, मैं सबके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, मेरे नीचे 500 काम करते हैं, 500 के नीचे 5000 काम करते हैं, सबका रेवेन्यू मिलके मेरे पास आता है। जी बताइए आप उनको क्या पढ़ाते हैं कि किस तरह से भीख मांगनी है, थोड़ा सा देखिए यार, अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर आप हमें ज्वाइन करते हो तभी एंट्री आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो भाई ये जो 100 करोड़ की कार है वो भाई हमारे भैया की है, जिनका नाम है श्रेय भैया, और भाई ये है बुगाटी की रेप्लिका, जिन्होंने अपने हाथों से मेहनत करके भैया ने अपने वर्कशॉप के अंदर बनाई है। तो भैया से पूछते हैं, भैया कितने दिन के बाद ये अपनी गाड़ी दिन के तैयार हुई है? ये टोटल 7 से 8 महीने का टाइम लगा अपन को इसको तैयार होने के अंदर। जी भैया, और बेसिकली इसमें खर्चा आता है 17 से 18 लाख रुपए। जी, और बाकी जो भी गाड़ी की रेप्लिका चाहिए अपन को मिल सकती है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ड्रीम कस्टम्स इंडिया के नाम से अपना चैनल है, बिल्कुल आप गूगल यूट्यूब कहीं पे भी सर्च कर लिए, नहीं तो शिवराज भैया के यहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं, डिटेल मिल जाएगी। बिल्कुल भाई, मैं कॉन्टेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ड्रीम कस्टम्स इंडिया नाम से इंस्टाग्राम यूट्यूब पर आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना करो, लेकिन यार भाई एक बार इनके चैनल पे जाके लाइक जरूर मार देना, है ना। तो भाई कैसा लगा आपको फक्कड़ चंद जब यहाँ पर 100 करोड़ की गाड़ी लेकर निकला ना, तो भाई मार्केट में हल्ला मच गया, तहलका मच गया, सिस्टम सोच में पड़ गया, भाई ये कौन सा सिस्टम नया आ गया।
तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताना। भाई भीड़ अभी तक आप देख सकते, क्राउड इतना है कि गाड़ी को और हमारे फक्कड़ चंद को लोग देखने के लिए तरस रहे हैं। और गाइस फोटो खींच रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं और अपने इंस्टा पर डाल रहे हैं। चंद्रयान जो है लैंड हो गया भाई, बहुत बढ़िया। तो गाइस यार कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।